दोस्तों नमस्कार, जय श्री सीताराम, जय राधे श्याम, जय हनुमान जी महाराज, जय गुरु भगवान, जय माता पिता। मैं नीरज मिश्रा फिर आया हूँ एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। फिर से आपका स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ हमारे किचन में। आज जो हमारी रेसिपी रहने वाली है उसका नाम है वेज हैदराबादी। वेज हैदराबादी बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, क्या क्या लेना होगा और कितनी मात्रा में लेना होगा, ये सब मैं आपको अपने हर वीडियो में बताता हूँ और पर पर्सन के हिसाब से ही बताता हूँ। आज जो हम वेज हैदराबादी बनाने वाले हैं इसके लिए हमें क्या क्या लेना होगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। हमें 4 से 5 बीन्स लेनी है, 1 गाजर लेनी है, 100 ग्राम हरी मटर लेनी है, 1 हमें आधी फूल गोभी लेनी है, उसका भी 1/4 हिस्सा कर लेना है। उसके बाद में हमें 100 ग्राम 50 ग्राम पनीर ले लेना है, चाहे 100 ग्राम की मात्रा में लो चाहे 50 ग्राम में पनीर, अगर आप ज़्यादा भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं कोई इशू नहीं है। उसके बाद में क्या करना होगा, एक पैन लेना, पैन में वाटर डालना है, उस वाटर में हमें अपनी गाजर, बीन्स, फूल गोभी, शिमला मिर्च और मटर, ये 5 चीज़ें हमें एक साथ बॉयल कर लेनी है। और हमें कम से कम 100-150 ग्राम पालक लेना है, उसको बॉयल करके पीस लेना है। उस पालक को पीस के हमें साइड में रख लेना है। उसके बाद में हमें 1 कटोरी दही लेना है और हमें कम से कम 50 ग्राम पुदीना लेना है। इतने आइटम को हमें रेडी करके रखना है, इतना मटेरियल हमारा रेडी रहेगा तभी जाके हमारी रेसिपी वेज हैदराबादी बन पाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 ऑनियन चॉप कर लेने हैं, 4-5 लहसुन चॉप कर लेने हैं, उसके बाद हमें 50 ग्राम अदरक चॉप कर लेनी है, कम से कम हमें 8 से 10 हरी मिर्च चॉप कर लेने हैं। उसके बाद हमें एक पैन में ऑयल डालना, ऑयल 2 से 3 स्पून डालना है। 3 स्पून ऑयल डालने के बाद हमें उसमें थोड़ा सा हींग डाल देना है। हींग डालने के बाद थोड़ा हमें 1 टीस्पून उसमें जीरा साबुत डाल देना है, 1 टीस्पून साबुत धनिया डाल देना है। उसके बाद में हमने जो गार्लिक चॉप किया उस गार्लिक को इसमें ऐड कर लेना, ब्राउन कर लेना है। उसके बाद हमने जो ऑनियन चॉप किया वो 2 ऑनियन इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद में क्या करना है, हमें जो ऑनियन हमारा ब्राउन हो जाए तो उसके बाद हमने जो जिंजर और ये करके रखा है चॉप इसको ऐड कर देना। उसके बाद में हमें इसमें क्या डालना है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हमें इसमें अमूल फ्रेश क्रीम ऐड कर देना है। उसके बाद में हमने जो पालक पीसी है उस पालक को इसमें ऐड कर देना है। पालक को ऐड करने के बाद में हमने जो 1 कप दही बोला है आपको, उस दही को अच्छे से फेंट लेना, फेंटने के बाद उसमें 1/2 टीस्पून शुगर डाल देना है ताकि उसमें स्वीटनेस भी आ जाए। उसके बाद में क्या करना है, उस दही को हमें इसमें ऐड कर देना है और हमें 50 ग्राम पुदीना लेके उसको भी काट के भी डाल सकते हैं और महीन करके भी आप डाल सकते हैं, उसको भी हमें इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि जब हमारा पुदीना का फ्लेवर पालक के साथ निकलेगा तो एक अलग ही होगा, इसीलिए इसका नाम हैदराबादी पड़ा है, क्योंकि ये हरा भरा वेजिटेबल है और स्वादिष्ट है और इसकी जो रेसिपी है बहुत ही अलग है। उसके बाद में जो हमने वेजिटेबल बॉयल करके रखे हैं उसको इसमें ऐड कर देना है, 50 ग्राम पनीर को छोटे छोटे पीसेस करके उसको भी इसमें ऐड कर देना है और इसको 2 से 3 मिनट तक पकाना है। और हमने आपको हर रेसिपी बताते अपने खड़े हुए मसालों को भून के पीस के अपने किचन में स्टॉक करो, जब कोई डिश बनाओ हल्का सा डाल दो, सिर्फ दाल को छोड़ गए तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग इलायची, खड़ी इलायची काली वाली, उसके बाद में इन सबका तवे पे थोड़ा सौते करके मिश्रण पाउडर बना के सूखा अपने एक डब्बे में स्टॉक करके रख लीजिए। आपके हर एक खाने में, सब्जी में आप किसी भी बनाइए, उसमें बड़ा स्वादिष्ट और अच्छा टेस्ट निकलेगा। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। इसकी गार्निशिंग के लिए हमें क्या करना होगा, एक बाउल में निकालना है, उसके बाद में हमें इसके ऊपर थोड़ा सा पनीर ग्रेट कर देना है, 1 टीस्पून क्रीम घुमा देना है, जिंजर जूलियन करके इसके ऊपर गार्निशिंग कर देनी है और फिर ये हल्का सा रोगन जो हमारा निकले उसको भी ऊपर से डाल देना और ये तैयार है हमारी आज की रेसिपी वेज हैदराबादी। आप इसको चाहे चपाती के साथ खाइए, राइस के साथ खाइए या ऐसे ही खाइए, बड़ी स्वादिष्ट और बड़ी लजीज होगी, देखने में भी अच्छी होगी और खाने में स्वादिष्ट होगी। तो दोस्तों विदा लेता हूँ आज की यही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय राधे श्याम, जय हनुमान जी महाराज, जय बाबा गुरु भगवान, जय माता पिता। मैं आपका नीरज मिश्रा, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं आपको क्लियर करूंगा। आपको बनाने में कहीं पे कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके, मेरे चैनल पे जाके, ट्रेवल एंजॉय विद नीरज पे जाके आप पूछ सकते हैं। अगर आप किसी को किचन कंस्ट्रक्शन कहीं पे चालू करना है तो उससे भी मैं, उसमें भी आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ।
अगर आपको किसी प्रकार का मैन पावर एम्प्लॉय चाहिए या डेली बेसिस का आपको छोटी मोटी पार्टी या अपने घर पे या कहीं पे करनी हो तो आप उसके लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके घर आके अपनी टीम को भेजकर या स्वयं आके आप लोगों का पूरा काम विधिवत करके जो है किचन इंडस्ट्री से करके और फिर मैं वहाँ से वापस आऊँगा, मेरी टीम वापस आएगी। 50% पेमेंट जब हम आपसे बात करते हैं तब लेंगे और 50% आपका काम होने के बाद में। आप मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल पे जाइए, मेरे चैनल का नाम है ट्रेवल एंजॉय विद नीरज और उस पे जाके बेल आइकन दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आपका एक वोट मुझे भी आगे बढ़ाएगा और आपको शेयर करते ही हो सकता है कितने लोगों को फूड इंडस्ट्रीज के बारे में जानकारी मिलेगी। तो मैं विधिवत आपकी सहायता करता हूँ रहूँगा और आप लोग मुझे अपना सपोर्ट करते रहें ताकि मैं भी आगे ग्रोथ करता रहूं। मैं आप लोगों के साथ, आप मेरे साथ, हम दोनों मिलके इस भारत को स्वच्छ, अच्छा और अन्नपूर्णा माता के साथ में इस अन्नपूर्णा माता को भी सम्मान मिलता रहे ताकि हम अपने जीवन को आगे उन्नति की ओर ले जा सके। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, ये है हमारे जीवन की शुरुआत, अन्न से ही होती है। तो ये थी आज की रेसिपी। अब मुझे आज्ञा दीजिए, आप मुझे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी जा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9136819862। व्हाट्सअप नंबर भी है, इस पर भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं विदा लेता हूँ, आज की यही रेसिपी को समाप्त करता हूँ। आपका नीरज मिश्रा, जय श्री सीताराम, जय राधेश्याम, जय हनुमान जी महाराज, जय गुरु भगवान, जय माता पिता।